सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सर्वे एकदम बढ़िया होंगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो मांगा के चैप्टर 66 का प्रेडिक्शन के बारे में, जहाँ हम जानेंगे कि अगले चैप्टर में क्या होने का चांसेस और पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। सो बिना ओवर टाइम को घुमाए तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कोर्ट ने शिकामारू को होस्टेज बना लिया था, जहां काफी सारे लोगों के साथ मुझे भी पहले लगा था कि शिकामारू नेक्स्ट चैप्टर तक मर जाएगा, पर काफी देर तक सोचने के बाद मुझे नहीं लगता कि शिकामारू इस बैटल में अनप्रिपेयर्ड होकर आया होगा। जहां मैं पॉसिबली बिलीव करता हूं कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें शिकामारू का प्लान काम करते हुए दिखाया जाएगा और हम उसे कुछ बेस्ट प्लान यूज करता भी देख पाएंगे, जहां मेरे हिसाब से वो लोग प्रोबेबली अपर हैंड बना लेंगे बोरुशी की और कोर्ट के अगेंस्ट। और अकॉर्डिंग टू मी नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, जहां हमें बोरुटो को उसके बॉडी में वापस टेक ओवर करते हुए किसी भी मोमेंट में दिखाया जा सकता है, पर वो कैसे करेगा वो मैं श्योर नहीं हूँ। जहां काफी सारे लोग बोरुटो को उसके राइट आई में स्लैश हुआ देखना चाहते हैं और लोग ये भी चाहते हैं कि वो स्लैश बोरुटो को कवाकी, कोर्ट, सास्के या नारुतो में से कोई दे, पर इसका बहुत अच्छा खासा चांस है कि बोरुटो को वो स्लैश वो खुद ही दे, ताकि वो उसके बॉडी पे वापस कंट्रोल पा सके नेक्स्ट चैप्टर पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बोरुटो ने बोरुशिकी के हॉर्न को तोड़ दिया था। पर इस बार वो बोरुशिकी के ब्याकुगान की तरफ जाएगा, और दूसरी तरफ अगर हम हमारे कवाकी को देखें तो मेरे हिसाब से वह भी उसके कर्मा सील के साथ उतना स्ट्रॉन्ग तो होगा कि वो कोर्ट को धोबी पछाड़ दे सके, जहां मुझे ये भी लगता है कि इस फॉर्म में कवाकी बोरुशिकी को इजीली टक्कर दे देगा। और वहीं अगर हम नारुतो को देखें तो वो प्रोबेबली फाइट करेगा कोर्ट के साथ, और मुझे लगता है कि नारुतो इस फाइट में अपर हैंड बना लेगा, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी प्रीवियस बैटल से काइंड ऑफ टायर्ड हो चुका होता है, जहां कवाकी और उसका कर्मा वर्जन 3 का पावर सुपीरियर हो सकता है करंट बोरुशिकी से भी ज्यादा। और हम सबको ये भी पता है कि इशिकी ज्यादा पावरफुल है मोमोशिकी से, और इसलिए भी 80% कवाकी मोस्ट लाइकली बहुत पावरफुल होगा 80% बोरुशिकी से भी ज्यादा। जहां मैं ये कंक्लूजन में आता हूं कि बोरुटो चैप्टर 66 में हमें सेज मोड नारुतो और शिकामारू वर्सेस कोर्ट और बोरुशिकी वर्सेस कवाकी का फाइट दिखाया जा सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली हमें शिकामारू का प्लान एग्जीक्यूट होते हुए भी दिख सकता है।